महाराष्ट्र के पुणे में 40 लाख रुपए की फिरौती के लिए एक 17 वर्षीय लड़के की उसके ही दोस्त ने कथित तौर पर अपहरण करने के बाद हत्या कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पूछताछ में पता चला है कि आरोपी ने एक फिल्म देखने के बाद फिरौती और मर्डर की साजिश रची। पुलिस का कहना है कि अब्दुल्ला सिद्दीकी नाम के किशोर का शव रविवार को पुणे के सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय परिसर में पाया गया। उसका परिवार पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ इलाके में कबाड़ का व्यवसाय करता है। आरोपी उमर नासिर शेख ने पुलिस को बताया कि उसने खतरनाक खिलाड़ी 2 नाम की फिल्म देखने के बाद पैसे के लिए अपने दोस्त का अपहरण करने की योजना बनाई थी। पुलिस थाने के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आरोपी उमर नासिर शेख को अपहरण और हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। अधिकारी ने बताया कि शेख अपने दोस्त सिद्दीकी को पार्टी में ले जाने के बहाने शनिवार को पिंपरी चिंचवाड़ के दापोड़ी इलाके ले गया था और उसका अपहरण कर दिया था और 40 लाख की फिरौती मांगी थी और उसके बाद अपने दोस्त का मर्डर कर दिया। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।